नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, हमारी ये तीसरी यूनिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर चल रही है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में का जो मेन मोटो है वो एक किस तरीके से एक गुड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू हम डेवलप करते हैं और किस तरीके से हम उसको डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हमारे इस सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में। हमने हमारा तीसरी यूनिट चल रहा है और पहली यूनिट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन चूंकि हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी स्पेशलिटीज क्या होती है, उनको किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद से दोस्तों, हाँ, जब हम लोग सेकेंड यूनिट में आए तो सेकेंड यूनिट में हमने यूएमएल के बारे में देखा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में, कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज किस तरीके से हमें एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। नोटेशन, सिंबल, ब्लॉक्स, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने मेंटल लेआउट को एक फिजिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूएमएल की, तो हमने देखा था सेकेंड यूनिट में कि हमारे दो टाइप के यूएमएल होते हैं, मतलब कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को भी दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। हमारा जो पहला लैंग्वेज, पहला टाइप है वो हमारा स्ट्रक्चरल टाइप है, यानी स्ट्रक्चरल डायग्राम है, और जो हमारा दूसरा है वो हमारा बिहेवियरल डायग्राम है। स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो दोस्तों, अगर हमें पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो हमें वहां पे ये देखना होता है कि कई सारे डायग्राम्स को बना के, जैसा कि आपने देखा था कि कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सबको क्रिएट करके ये देखना होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना, और किस तरीके से वो उसका एक प्रारूप होगा, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे कौन सा क्लास होगा, कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, उनका डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया जाएगा, अगर डिप्लॉयमेंट किया गया है तो फिर कहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल किस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर या कौन सा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। वही दोस्तों, जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की जो हमारी दूसरी क्या कहते हैं कि हमारा जो दूसरा डायग्राम है, बिहेवियरल डायग्राम, अगर हम उसकी बात करें तो वो पर्टिकुलर जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि नंबर ऑफ 10 क्लासेस अगर हमने एक जगह पे या किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस 10 क्लासेस का आपस में कोलेबोरेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो वर्क करेंगे और कैसे वो मिलके किसी टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो उनका डायनेमिक एस्पेक्ट्स होता है, या आप कहें कि अकॉर्डिंग टू इवेंट जो वो उनके अंदर के ऑपरेशन ट्रिगर होते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी फंक्शनैलिटीज को अगर हमें एनालाइज करना है तो हम बिहेवियरल डायग्राम का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहेवियरल डायग्राम में भी कई सारे डायग्राम हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी सेकेंड यूनिट में, आपका यूजर केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिव डायग्राम, कोलेबोरेशन डायग्राम, टाइम डायग्राम, ठीक है, और भी स्टेट मशीन डायग्राम, तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं जो कि बिहेवियरल डायग्राम में यूज किए जाते हैं दोस्तों। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं बार बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसा कोई एक डायग्राम नहीं है जो सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सके, तो हमें पर्टिकुलर यूएमएल के अंदर अगर डायनेमिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे डायग्राम है या फिर स्टैटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे डायग्राम है, तो हमें करना क्या है कि हमें सारे डायग्राम को बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हम सारे डायग्राम को क्रिएट नहीं करते हैं तब तक उसका विजुअलाइजेशन जो है, ठीक है, तब तक हम एक तरीके से कहें तो हम सही तरीके से उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर हमारा डायग्राम है, अलग अलग जितने भी हमारे पर्टिकुलर डायग्राम है, ठीक
ठीक है ना, वो अलग अलग जितने भी हमारे पर्टिकुलर डायग्राम है वो सारे के सारे डायग्राम पर्टिकुलर किसी एक चीज को अलग अलग व्यू से देखने का नजरिया है हमारा, ठीक है ना। तो अगर हम अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर किसी एक ही डायग्राम को अगर हम किसी एक ही कॉन्सेप्ट को अगर हम देख रहे हैं तो हमें उसको एनालाइज करने में आसानी होती है और नए नए चीजें हमें पता चलती हैं उसके बारे में, या फिर क्या गलतियां हुई हैं इसके बारे में हमें पता चलता है। तो अगर हम ये कहें कि पर्टिकुलर ये डायग्राम अच्छा है या फिर ये डायग्राम खराब है तो ये कहना गलत होगा, क्यों? क्योंकि हर डायग्राम की एक अपनी स्पेशलिटीज है और उनका एक अपना वर्क है और अपने अंदर वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये सब हमारे हमने सेकेंड यूनिट के अंदर देखा था। चूंकि अभी हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है और थर्ड यूनिट में जब हमने आया तो हमने देखा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारी चीजें, जिसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके वो था क्या आपका OOA, OOB, OOD और OO आपका P। तो ये तीन फेजेस हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की थर्ड यूनिट में हमने देखा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात करें तो पर्टिकुलर जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हम एक विजुअलाइजेशन मन के अंदर मन करते हैं कि कैसे कौन सा वर्क करेगा, कैसे पहला स्टेट होगा उसके बाद से दूसरा स्टेट कौन सा होगा, ठीक है। तो ये सारा एनालाइजेशन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आता है। उसके बाद से जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू OOD यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू हम उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम को, उस डायग्राम को फिर हम एक तरीके से देखें तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फिर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम पहले एनालिसिस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम डिजाइन करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन वे हैं एक तरीके से कि हम इन तीनों को जब फॉलो करते हैं तब जाके हमारा हम कहीं एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं। और आपने हमने जो देखा है अभी तक, आपको आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर एक क्या कहते हैं कि जो भी डायग्राम हम UML के थ्रू, इतने सारे डायग्राम हैं, हमने चूज किया कौन सा डायग्राम बेस्ट है। अगर हमने उस डायग्राम को के थ्रू एक सिस्टम को रिप्रेजेंट किया तो फिर पर्टिकुलर की उस जो डायग्राम हमने बनाया है फिर हम उसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि उसको और सिंपल या फिर और क्रिएटिव बनाने के लिए हम उस पर्टिकुलर डायग्राम को ऑप्टिमाइज करते हैं। उसी तरीके से जो हम किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस का यूज किया जा रहा है तो पर्टिकुलर कौन सा ऑपरेशन किस तो उसके लिए भी, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ऑपरेशन है तो उसके लिए कई सारे एल्गोरिथम्स हैं, तो अगर हमें ये एक अल्टरनेट एल्गोरिथम चूज करना है पर्टिकुलर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो इसी को हम मतलब कि ये भी चूज करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अगर हम एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो, या फिर एल्गोरिथम डिजाइन की, अगर हम एल्गोरिथम की डिजाइन की बात करें तो हमें एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि पर्टिकुलर एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्या कहीं ये एल्गोरिथम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ तो नहीं जाती है, ठीक है ना। तो कई सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पासिंग आर्गुमेंट के बारे में, कि पासिंग आर्गुमेंट टू द मीटर, और इसको भी हम लोगों ने एक सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया था कॉल बैक मैकेनिज्म के रूप में, ठीक है ना। तो कॉल बैक मैकेनिज्म को जब हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों तो आपने देखा होगा कि कॉल बैक मैकेनिज्म जो है वो है क्या एक्चुअल में, कि किस तरीके से हम फंक्शन को दोबारा से कॉल करते हैं। इनसे अगर हम कहें कि फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू को एज आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो जब हम एज आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को पास करते हैं तो मोस्टली दो तरीके हैं उसके पास करने के, है तो और भी तरीके लेकिन ये दो तरीके काफी फेमस हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। इसके अलावा पास बाय रिजल्ट, पास बाय वैल्यू रिजल्ट एंड पास बाय नेम भी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पास बाय वैल्यू तो एक कॉमन है, लेकिन पास बाय रेफरेंस की बात करें तो सी और सी प्लस प्लस के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, तो सी और सी प्लस प्लस के अंदर पास बाय रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। और आपको पता है कि सी जो है वो इंपरेटिव पैराडाइम्स की लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की लैंग्वेज है। तो या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के कॉन्सेप्ट्स को ये अडॉप्ट करती है।
तो अगर हम पास बाई रिफरेंस अगर सी या सी प्लस प्लस में करें तो यहाँ पे पास बाई रिफरेंस जो है वो पॉइंटर के थ्रू किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम एक पॉइंटर लेते हैं जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है, और पर्टिकुलर जब हम उस पॉइंटर को एक्सेस करते हैं तो मतलब ऑटोमेटिक वो वेरिएबल एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना। या सिंपल कहे पास बाय वैल्यू, पास बाय रिफरेंस, तो अगर हम पास बाय वैल्यू का मतलब क्या है, सीधे उसकी वैल्यू से उसको एक्सेस कर रहे हैं, और पास बाय रिफरेंस का मतलब क्या है कि हम उसके एड्रेस के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पास बाय वैल्यू में, तो आपने देखा था कि ये हमने एक स्वैप का प्रोग्राम बनाया था। देखिए हमने एक स्वैप फंक्शन का प्रोग्राम बनाया था पास बाय वैल्यू में, और हमने किस तरीके से देखा था कि देखिए हमने एक स्वैप नाम का फंक्शन लिया था जिसमें हमने दो आर्गुमेंट रखे थे इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है ना, और हमने एक तीसरा आर्गुमेंट रखा था इंट टाइम, ठीक है। तो इंट टाइम में आपने देखा था कि किस तरीके से टाइम इज इक्वल टू एक्स हमने रखा, ठीक है ना, फिर एक्स इज इक्वल टू हमने वाई रखा, और फिर y इज इक्वल टू टेम्प रखा। यानी कि अगर हम इसको फिजिकली समझने की कोशिश करें तो आपको पता है कि किस तरीके से अगर हम टेम्प की वैल्यू में, अगर x की वैल्यू में 3 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं और y की वैल्यू 4 रखते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो अगर हम x टेम्प की वैल्यू, एक सेकेंड, तो अगर हम टेम्प की वैल्यू अगर हम x रखते हैं तो x की वैल्यू चूंकि 3 है तो टाइम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 3। फिर x इज इक्वल टू अगर y रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और अगर y इज इक्वल टू टाइम रखते हैं तो टाइम की वैल्यू ऑलरेडी x की वैल्यू है जो कि 3 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। और फिर अगर हम रिटर्न करेंगे तो हमें रिटर्न क्या होगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है स्वैप फंक्शन काम करेगा, यानी कि दो वैल्यू को आपस में स्वैप कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो स्वैप फंक्शन को हमने पहले डिफाइन किया, उसके बाद से फिर हम सिस्टम में देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था स्वैप इंट एक्स इंट वाई, ये हमने फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और इस फंक्शन की वर्किंग किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। फिर हम लोग आगे आए थे दोस्तों, और जब हम लोग आगे आए थे तो हमने दो वैल्यू ली थी इंट ए की, इंट इज इक्वल टू 100 और इंट बी इज इक्वल टू 200, ठीक है ना। और उसके बाद से हमने एक प्रिंट कराया था कि बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100, ए की वैल्यू है यहाँ पे, और बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी यानी कि 200, ठीक है ना। और उसके बाद से हमने स्वैप ए और स्वैप बी किया था। तो अब ये ए और बी इन दोनों की वैल्यू एज अ आर्गुमेंट स्वैप फंक्शन के अंदर जाएगी, और अगर स्वैप फंक्शन के अंदर की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है इंट एक्स और इंट वाई, यानी ए की वैल्यू जो है वो इंट एक्स के अंदर जा रही है और वाई बी की वैल्यू जो है वो इंट वाई के अंदर जा रही है। और जैसे ये आर्गुमेंट यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फंक्शन जो ये ऊपर जो हमने ये डिफाइन किया हुआ है स्वैप के लिए वो इसके थ्रू स्वैप हो जाएगा, और स्वैप करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, यानी देखिए फिर हम प्रिंट कराएंगे कि आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए यानी कि 200, और आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी यानी कि 100। तो इस तरीके से आपका फंक्शन स्वैप हो जाएगा। आउटपुट में मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 200 होगा और यहाँ पे 100 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पास बाई वैल्यू जो है वो पास या कहें कि इस तरीके से आपके पास बाई वैल्यू को इम्प्लीमेंट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से जो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है पास बाई रेफरेंस, ठीक है ना। तो पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू ना एक्सेस करके हम उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि सी सी प्लस प्लस में हमें जब पॉइंटर बनाते हैं तो हम उसके आगे एक एस्ट्रिक लगाते हैं, ठीक है ना, और एस्ट्रिक के साथ जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो एज अ पॉइंटर वर्क करता है। यानी कि इसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल को अगर रखते हैं, यानी स्टार पी इज इक्वल टू अगर हम ए करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो एड्रेस है वो जो है इस पर्टिकुलर ए के अंदर पी के अंदर ऐड हो जाएगा। क्या ए का एड्रेस, पी का एड्रेस जो है स्टार पी के अंदर एक वेरिएबल, ए वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम सिंपल वर्ड में दोस्तों अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को अगर आपको समझना है तो आप देख सकते हैं कि जो पास बाई वैल्यू है, ठीक है, वो पास बाई वैल्यू जो है वो आपकी इस पे डिपेंड करती है कि जैसे कि अगर हम सिंपल वर्ड या नेचुरल वर्ड भी समझाने की कोशिश करें
तो सपोज कीजिए कि अगर आपने बीटेक कर लिया है और अब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो कोई कंपनी आपको दो तरीके से आपको एक्सेस कर सकती है, यानी कि दो तरीके हैं कंपनी के अंदर ज्वाइन होने के, पहला वैल्यू के थ्रू और दूसरा रेफरेंस के थ्रू, ठीक है ना। वैल्यू के थ्रू का मतलब क्या है कि आप कितना अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं या फिर कोडिंग आपकी इतनी अच्छी है कि कंपनी को लगता है कि आपको एक्सेस करना है, तो ये आपकी वैल्यू के थ्रू आपको एक्सेस किया जा रहा है। और अगर दूसरा क्या है कि आपके पास नॉलेज थोड़ी कम भी हो लेकिन कंपनी में कोई बंदा ऐसा है जो आपको जानता है, तो आप उसके रिफरेंस पे या उसके थ्रू आप उस कंपनी में एंटर कर रहे हो या ज्वाइन कर रहे हो, तो उसको आप कहेंगे रिफरेंस के थ्रू आपने एंटर किया। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है, पास बाय वैल्यू पास बाय रिफरेंस का, कि हम अगर वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं एज आर्गुमेंट तो वो पास बाय वैल्यू हो गया, और अगर हम वेरिएबल को उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पास बाय रिफरेंस। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि व्हेन अ पैरामीटर इज पास बाय रेफरेंस द कॉलर एंड द काली ऑपरेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट मींस दैट व्हेन अ वेरिएबल इज पास बाय रेफरेंस द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेंट टू द मेथड, ठीक है। एनी चेंज टू द पैरामीटर इंस्टेंस मेंबर वी विल रिजल्ट इन द चेंज बीइंग मेड टू द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद से नीचे और देखिए क्या लिखा हुआ है, टू पास द वैल्यू बाय रिफरेंस आर्गुमेंट रिफर्स रिफरेंस इज पास्ड ऑन द फंक्शन जस्ट लाइक अ अदर वैल्यू, सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन, ठीक है ना। यानी आपको फंक्शन को जरूरत है कि उसको मतलब कि वो करने की, सॉरी फंक्शन आपकी आपको जरूरत है कि फंक्शन को पहले डिक्लेयर करने की। उसके बाद से फिर देखें, उसके बाद जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पैरामीटर्स एंड रेफरेंसेस, पैरामीटर्स एज रेफरेंस टाइप एज इन द फॉलोइंग फंक्शन स्वैप विच एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ द टू इंटीजर वेरिएबल पॉइंटेड बाय इट्स आर्गुमेंट, ठीक है। तो दो चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि देखिए, हम स्कैन एफ में दो चीजें होती हैं। हम देखते हैं अगर हम सी में हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे जब हम स्कैन फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ एंड ए करते हैं या फिर एंड एंड का यूज करते हैं, तो ये एंड क्या होता है, पर्टिकुलर ए के एड्रेस को होल्ड कर रहा होता है, ठीक है ना। या फिर अगर हम पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर में हम स्टार का यूज करते हैं, स्टार के साथ कोई भी नेम लिख दें तो वो भी पर्टिकुलर उस अगले वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करता है। यानी कि ये एंड की बात करें तो ये भी एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलर ए के। और अगर हम पी की बात करें तो ये भी हम ए को ही, स्टार पी की बात करें तो ये भी ए के एड्रेस को ही होल्ड कर रहा है। इस चीज को दूसरे तरीके से दोस्त अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सेकेंड रुकिए, दूसरे तरीके से अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोज कीजिए कि अगर ये वैल्यू है, ये इस तरीके से अगर हमने एक स्टैक ड्रॉ किया और स्टैक में कई सारे ब्लॉक बना दिए, एक को हमने वन एड्रेस रखा, एक को टू रखा, एक को थ्री रखा, एक को फोर रखा, एड्रेस रखा हमने, वेरिएबल नेम हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या रखी, वन वन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड 14। तो अगर हम प्रिंट ए करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट अगर हम ए करते हैं तो मतलब क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू यानी कि 11। लेकिन अगर हम प्रिंट एंड ए करते हैं तो वहां पे क्या प्रिंट होगा, 1, जो कि ए का एड्रेस है, ठीक है।
तो ये चीज अगर दोस्तों अगर आपके समझ में आई हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एड्रेस को सॉरी एड्रेस का यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी भी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो आइए वही स्वैप का प्रोग्राम जो हमने अभी इससे पहले पास बाय वैल्यू में स्वैप का प्रोग्राम देखा था और देखा था किस तरीके से आर्गुमेंट की वैल्यू को किसी दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को किस तरीके से दूसरे फंक्शन के अंदर हम एज आर्गुमेंट पास करते हैं। तो अब देखते हैं पास बाय रेफरेंस में उसी सेम जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका। और अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो आप सबसे पहले वही सेम चीज जो हमने ऊपर की थी कि हम पहले स्वैप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, लेकिन आप देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि आप जब यहाँ पे स्वैप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, स्वैप फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो हम अपने स्वैप फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, जो स्वैप फंक्शन के अंदर जो हमने आर्गुमेंट पास किया है वो इंट एंड एक्स एंड इंट एंड वाई लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एंड क्या है, वो पर्टिकुलर एक्स के एड्रेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो एड्रेस में कहीं भी अब क्या है कि इस स्वैप फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल की वैल्यू ना जाके एक्स वेरिएबल का एड्रेस जाएगा, ठीक है ना। और इस एंड एक्स के अंदर जो वेरिएबल जो एड्रेस आएगा वो कहां से आएगा, वो हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। फिर से हमने यहाँ पे इंट टेम्प वही सेम चीज है और स्वैप वही करेगा, स्वैप का भी फंक्शन वही है। देख लीजिए कि अगर हम एक्स इज इक्वल टू 3 लिखते हैं और वाई इज इक्वल टू दोस्तों अगर हम 4 लिखते हैं, ठीक है, तो फिर होगा क्या, इंट इज इक्वल टू अगर एक्स लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 लिखते हैं और वाई इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो फिर होगा क्या। तो वही सेम चीज है कि अगर हम एक्स का एड्रेस के थ्रू हम 3, अब यहां पे क्या है कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू ना जाके एक्स का एड्रेस जाएगा और एक्स के एड्रेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट इसको रेफरेंस के थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं। रेफरेंस मतलब क्या, उसका एड्रेस है, या अगर उसका एड्रेस है तो वो उसका रेफरेंस है और उस रेफरेंस के थ्रू हम उसको फाइंड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बाकी चीजें तो वही है कि अगर हम भाई टैंप के अंदर जैसे कि एक सेकेंड टैंप के अंदर यक्स लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 3 है तो टाइम की वैल्यू 3 हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है यानी y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर और फिर y इज इक्वल टू टाइम लिखा है तो टाइम की वैल्यू ऑलरेडी x की वैल्यू है जो कि 3 है तो y की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हम वैल्यू रिटर्न होगा तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा क्या, कि हमें मिलेगा ये कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू आपका 3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है ना, और ये वैल्यू दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगी, इस पर्टिकुलर स्वैप फंक्शन से। लेकिन जो वैल्यू इस एक्स और वाई की आएगी वो किसके थ्रू आएगी, एड्रेस के थ्रू दोस्तों, किसके थ्रू, एक्स और वाई के एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो इस चीज को जो मैं समझाना चाहता हूं वो यही है कि यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू को ना डाल के हम उस वैल्यू को उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और जो ये एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं यही रिफरेंस हो गया उसका, ठीक है, यही क्या हो गया उसका, रिफरेंस हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर यही उसका रिफरेंस है तो आपको ये समझना होगा कि फिर हम नीचे अगर हम देखिए यहाँ नीचे जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर नाउ लेट अस कॉल द फंक्शन स्वैप बाई पासिंग वैल्यू बाई रिफरेंस एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देखिए नीचे के एग्जाम्पल में हमने ये स्वैप फंक्शन जो डिफाइन किया था वो इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाइड स्वैप इंट एंड एक्स इंट एंड वाई। तो ये क्या है कि वही सेम स्वैप फंक्शन, और स्वैप फंक्शन ऊपर हमने बताया है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। दो लोकल वेरिएबल हम लेंगे वही सेम, ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 200, और ये जो इंट है ये बता रहा है कि ये जो ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है इसका टाइप जो है वो इंटीजर है, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये
इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है, यही इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। अगर हम इसमें कैरेक्टर को होल्ड कराना चाहें या फिर किसी और वैल्यू को होल्ड, किसी और टाइप की वैल्यू को होल्ड कराना चाहें, तो ये उसको होल्ड नहीं करेगा। ये केवल और केवल किसको होल्ड करेगा, आपके इंटीजर वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे चूंकि एक सेकेंड, यहाँ पे चूंकि बात काउंट की हो रही है, हाँ, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये अब हम उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या कर रहे हैं काउंट में, कि बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए, ये प्रिंट होगा यानी कि 100, और बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी यानी कि ये प्रिंट होगा और इसकी जगह क्या प्रिंट होगा, 200। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यही प्रिंट का वो जो हमने दो लाइन ऊपर लिखी थी वो केवल इन दोनों को प्रिंट कराने के लिए थी, कि बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100 और बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो अब स्वैप करने की बारी आती है, तो आप स्वैप करने की बारी आएगी, तो देखिए आपने स्वैप किया, स्वैप फंक्शन का यूज किया और स्वैप में ए डाला और बी डाला, ठीक है ना। तो अब ये ए और बी जो स्वैप हो रहा है, तो अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं जा रही है, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन में यहाँ पे एंड एक्स और एंड वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का एड्रेस जाएगा एंड एक्स में, बी का एड्रेस यानी ए का जो एड्रेस, एक सेकंड रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ए का जो एड्रेस है वो जाएगा एंड एक्स में, बी का जो एड्रेस है वो जाएगा एंड वाई में, ठीक है ना। ए का एड्रेस एंड एक्स, बी का एड्रेस एंड वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ना जाके ए और बी का एड्रेस गया, यानी ए और बी की एड्रेस के थ्रू हम वैल्यू के, ए और बी की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे हम ए और बी का एड्रेस एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू एड्रेस के थ्रू यानी रिफरेंस के थ्रू, उसके एड्रेस के थ्रू ए और बी की वैल्यू को हम एक्सेस कर लेंगे, और उसके बाद से वहां पे ये पर्टिकुलर ये फंक्शन अप्लाई होगा उस वैल्यू पे, यानी कि केवल वैल्यू को पहुंचाने का उस स्वैप फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू कैसे पहुंचेगी, डायरेक्ट न पहुंच के उसके एड्रेस के थ्रू, तो वही उसका रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए आप, जब एक बार इस पे ए और बी के एड्रेस गया यानी वैल्यू को उसने एड्रेस के थ्रू फेच किया, और उसके बाद से फिर उस पे स्वैप फंक्शन अप्लाई हुआ, और जो वैल्यू फिर रिजल्ट मिली, तो उसको हम लोग शो कराने के लिए हमने प्रिंट किया कि आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, दूसरे तरीके से कहें इस तरीके से कि आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी कि अब स्वैप हो गया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 200, और आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100, ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज को देखें तो आपको यहां दिख रहा होगा कि देखिए यहां पे ये वाली लाइन कि आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 200 और आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 100, यानी कि जो ये था अब वो कहां चला गया यहां पे, और जो ये था वो कहां चला गया यहां पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो स्वैप फंक्शन है वो स्वैप फंक्शन दोस्तों परफॉर्म हो गया। तो अगर आपने ये दोनों प्रोग्राम देखे हैं तो आपको दोनों प्रोग्राम के थ्रू ये चीज समझ में आ गई होगी कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है क्या, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ, आपने देखा किस तरीके से एक में, एक स्वैप फंक्शन में हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, सॉरी वेरिएबल के वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, और अगर दूसरा आपने देखा तो किस तरीके से हम वैल्यू को उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक्सेस तो कर रहे हैं केवल और केवल वैल्यू को ही, लेकिन तरीका थोड़ा बदल गया कि डायरेक्ट वैल्यू को ना एक्सेस करके हम किसी के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब हम किसी के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वो आपका हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस, और अगर डायरेक्ट उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन चूंकि मैं आपको बता दूं कि जावा में जो है वो पॉइंटर का यूज नहीं होता, C++ में चूंकि पॉइंटर का यूज होता है लेकिन जावा में पॉइंटर्स का यूज नहीं होता, तो जावा में पॉइंटर का अगर यूज नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल बाय रेफरेंस वहां पे होता नहीं है, ठीक है ना। कॉल बाय रेफरेंस वहां पे होता है लेकिन कहें कि वो मतलब कि तरीका उसका थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, यानी पॉइंटर की जगह हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं, और
इंटरफेसेस को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट के इंटरफेसेस को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर आपका जो प्रोग्राम जो मतलब कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो जाता है, और उसके थ्रू वो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जावा के अंदर ये पास बाय रेफरेंस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।